हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अपने खुद के फंक्शंस बनाना और उन्हें यूज करना। पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करना होता है और फिर होती है उसकी फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं def। उसके बाद हमें लिखना होता है फंक्शन का नाम, जैसे फंक्शन वन। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स आते हैं जिनका हम बाद में देखेंगे यूज, अभी के लिए इतना ही। उसके बाद फिर हम फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि फंक्शन का ब्लॉक इंडेंटेड होता है। जितनी भी स्टेटमेंट इंडेंटेशन के साथ लिखी जाएंगी वो उस फंक्शन का पार्ट होंगी। जहां हमारा इंडेंटेशन खत्म हुआ हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले इस फंक्शन में के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे प्रिंट आई एम इन फंक्शन वन। तो ये हुआ हमारा फंक्शन वन जो कि प्रिंट करता है आई एम इन फंक्शन वन। एक और फंक्शन बनाते हैं जिसे नाम देते हैं फंक्शन टू। इसमें भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। आई एम इन फंक्शन टू। अब इसे सेव करके रन करते हैं। तो आपने देखा कि हमने फंक्शन को सेव करके रन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन दी है। फंक्शन को यूज करने के लिए हमें उन्हें कॉल करना पड़ता है। फंक्शन अपने आप में सिर्फ एक सेट ऑफ कोड है जिसे हम बार बार यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने उन्हें एक अलग लिख दिया है। लेकिन उन्हें यूज करने के लिए उन्हें कॉल करना होता है। कॉल करने के लिए लिखें फंक्शन का नाम और वो कॉल हो जाएगा। अब अगर हम इस फंक्शन को दोनों को रन करते हैं तो देखिए हमारा क्या आंसर आएगा। हमारे दोनों फंक्शन रन हो जाते हैं और उनकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती हैं। आप चाहें तो किसी फंक्शन को एक से ज़्यादा बार भी रन कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कितनी बार भी आप उसे कॉल किया जा सकता है उस प्रोग्राम में, जैसे कि इस तरह। आप चाहें तो फंक्शंस को एक स्टेटमेंट दे सकते हैं या एक कमेंट दे सकते हैं जो कि बताता है कि ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे कि दिस फंक्शन डज दिस। ये कमेंट है जो कि इग्नोर हो जाएगा, रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन क्या करता है। इसी तरह आप कमेंट दे सकते हैं फंक्शन में जिससे सामने वाला समझ जाए क्या होता है। तो ये हुई हमारी फंक्शन डेफिनेशन, इनसे हमारी होती है फंक्शन कॉलिंग। और फंक्शन कॉलिंग करने के बाद जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारे फंक्शंस रन हो जाते हैं। तो आपने देखा सिंपल फंक्शंस क्रिएट करना और उन्हें कॉल करना। हम आगे देखेंगे रिक्वायर आर्गुमेंट वाले फंक्शंस। सो स्टे ट्यून्ड।